क्या लगता है डॉक्टर साहब, इस बार क्या माहौल रहेगा? भाजपा ही फिर से विजय प्राप्त करेगी। बिल्कुल भाजपा ही आएगी, 100% भाजपा ही आएगी। सरकार तो अखिलेश यादव बनेगी, अखिलेश भैया आएंगे, इसमें कोई राय नहीं। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। बेशक तापमान घट रहा हो, लेकिन चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। ऐसे में प्रदेश की जनता क्या चाहती है, कौन इस बार उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी हासिल कर पाता है, हम जानेंगे जनता से खुद ही। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के निगोहा कस्बे में मौजूद हैं। ये निगोहा का कस्बा है और हमारे साथ बहुत से युवा हैं, वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अंकुर शुक्ला। क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर हैं, तो क्या लगता है डॉक्टर साहब, इस बार क्या माहौल रहेगा चुनाव का? माहौल हमें लगता है कि भाजपा ही फिर से विजय प्राप्त करेगी। भाजपा विजय प्राप्त करेगी, मतलब वापसी करेगी सरकार। ऐसे क्या काम हुए और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के, जनता जिन पर वोट करेगी? देखिए, भाजपा का मुद्दा हमेशा से हमें लगा कि विकास ही रहा है। अब आप देख सकते हैं कि 2017 के पहले हमारे यूपी में सिर्फ 2 एयरपोर्ट थे और तीसरा और एक प्लेन उतर सकता था जो कि इटावा में से, और आज हमारे यूपी के पास 7 एयरपोर्ट हैं। तो विकास अपने आप ही बोल रहा है ना? विकास बोल रहा है। अरे भाई बताइए, क्या नाम है सर आपका और इनकी बात से सहमत हैं? सुजीत चौरसिया। क्या करते हैं आप? मेरा जो है खुद का अपना बिजनेस है, छोटा मोटा। अच्छा, ठीक है, व्यापारी है, बिजनेसमैन है। तो क्या लगता है इस बार भाजपा सरकार में वापसी करेगी, क्या माहौल बन रहा है? बिल्कुल भाजपा ही आएगी, 100% भाजपा ही आएगी। तो और कोई अगर टक्कर दे सकता है भाजपा को तो कौन सी ऐसी पार्टी है? टक्कर कोई नहीं दे पाएगा, सेकंड नंबर पे जो भी आएगा सेकंड पे ही आएगा, फर्स्ट पे भाजपा ही रहेगी। प्रियंका अखिलेश, इनका जादू नहीं चलेगा? कहीं कुछ नहीं चलेगा जादू, अब पिछले बार नहीं चला तो अब कहाँ चलेगा, आएगा तो योगी ही। भाजपा ही आएगी? भाजपा नहीं, समाजवादी आएगी, समाजवादी पार्टी आएगी। जी, ये मिले हैं टक्कर के, ये टक्कर, ठीक है, समाजवादी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव आएंगे तो भाजपा क्यों नहीं? क्या क्या कमी रह गई? हमारे यहाँ तो जो है पुष्कर ही जीतेंगे। नहीं, प्रदेश की बात, सरकार तो अखिलेश यादव बनेगी। अच्छा, भाजपा सरकार में क्या गलतियाँ क्या कमियाँ रह गई? अब गलतियाँ तो सभी हैं। सभी क्या? विकास नहीं हुआ भाई, इतनी महंगी सब्जी है, इतना महंगा कड़वा तेल है, क्या आदमी खाएगा और क्या कमाएगा? अभी एक स्वेटर लेने जाएं तो 1,500 रुपये का मिलेगा। महंगाई मुद्दा रहेगा, महंगाई मुद्दा रहेगा। और क्या खास मुद्दा और क्या मुद्दे रहेंगे जनता के? मुद्दा तो जनता गांव में जाएं तो आपको बताएगी, ये रोडों तो कोई बताएगा नहीं आपको। नहीं, आप भी तो गाँव से हैं। हाँ, गाँव से हैं तो आप बताइए ना। तो गाँव में यही सबसे छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि आदमी यही सोच रहा है, ये 200 रुपये किलो का तेल अगर हम लेंगे कड़वा, 300 रुपये का अगर मजदूरी आदमी कर रहा है तो 200 रुपये किलो का कोई तेल तो खाएगा नहीं। रोज डेली 1 किलो तेल नहीं खत्म होता किसी के घर पे, 1 किलो तेल नहीं खत्म होता है। अरे 1 किलो तेल लेंगे तो हफ्ते भर चलेगा, 10 दिन चलेगा। अरे हफ्ते भर चलेगा तो हम ये थोड़ी कर रहे हैं एक दिन में आदमी खा लेगा भाई। महंगा पेट्रोल सस्ता हो गया, उसके बारे में कुछ नहीं कहोगे? पेट्रोल सस्ता तो हो गया, 10 रुपए सस्ता हुआ, बच्चे की नहीं बच्चे ऐसा नहीं कहोगे कुछ? पहले 40 रुपए बढ़ा, महंगाई पहले है, धर्म पहले है, उसके बाद फिर दुनियादारी है। 40 रुपया पहले बढ़ा दें और 20 रुपया उस पे कम कर दें, फिर मुद्दा हो गया। अच्छा, महंगाई मुद्दा रहेगा क्या लगता है? रहना तो नहीं चाहिए महंगाई, नहीं मुद्दा रहेगा क्या? सरकार इस पे नुकसान उठा सकती है महंगाई की वजह से? ये नहीं कह सकते, सरकारी सरकार को नुकसान होगा क्या चुनाव में? भाजपा को नुकसान होगा चुनाव में? होना चाहिए महंगाई की वजह से। हाँ, महंगाई की वजह से होना चाहिए, नुकसान तो होगा ही। और क्या, आप युवा हैं, क्या करते हैं? हम हैं बस काम करते हैं अपना। अच्छा, लेबर खुद का काम करते हैं? हाँ, लेबर। हाँ, लेबर ही, मतलब लेबर, लेबर करते हैं। तो जैसे कोरोना में बड़ी समस्या हुई, अब काम मिलने लग गया? हाँ, काम तो मिल रहा नहीं कोरोना में, चलो कुछ तो सुविधा थी कि मतलब खाना पीना सबको तो मिल ही रहा था, सबको मतलब राशन पानी जो भी था, जो जो महंगाई है, तेल है, ये सब है जैसे बता रहे हैं। तो मजदूरी बढ़ी है? मजदूरी तो नहीं बढ़ रही है। तो कैसे चल रहा है फिर, महंगाई तो ज़्यादा बढ़ गई? महंगाई तो ज़्यादा है, क्या करें, अब जैसे तैसा पेट पाल रहे बस। तो इस बार क्या क्या सोच के वोट डालेंगे? अगर अभी से आना चाहते हैं सत्ता दोबारा ही तो मतलब कुछ वोट क्या सोच के वोट डालने जाएंगे, किसको वोट देंगे, क्या सोचेंगे कि हाँ क्यों हम इस पार्टी को वोट दे रहे हैं, ये तो ऐसा क्या सोचेंगे? महंगाई, बेरोजगारी, क्या? हाँ, ये तो बेरोजगारी महंगाई सोच कर थोड़ा पीछे पिछलेंगे और क्या।
आपका क्या नाम है? अनुभव वाजपेयी। अनुभव जी, अपने अनुभव से जरा ये बताने की बताने का प्रयास करिए कि इस बार किसकी सरकार बन रही है? समाजवादी पार्टी की। सपा की? सपा की बनेगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, क्या भाजपा सरकार में क्या कमी रह गई? कमी क्या रहे, ये सब बेचे डाल रहे हैं, नौकरी क्या देंगे? सब तो सरकारी प्राइवेट करे दे रहे हैं, तो नौकरी देंगे कहाँ से? करते क्या है आप? हम तो यहीं जॉब करते हैं। जॉब करते हैं प्राइवेट? प्राइवेट। तो इस बार अखिलेश भैया आएंगे, इसमें कोई राय नहीं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये तो कहीं है ही नहीं है। कांग्रेस का कुछ नहीं है? ये है ही नहीं बिल्कुल। और बसपा? ये भी नहीं। समाजवादी, बीजेपी, यही दो हैं बस। बस दो ही है कि समाजवादी है। ये थे हमारे साथ राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र निगोहा कस्बे के युवा, जिन्होंने बताया अपने अपने मुद्दे। कभी महंगाई एक मुद्दा सबसे बड़ा है और बेरोज़गारी भी। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता किसे सत्ता के ताले की चाबी सौंपती है। योगी योगेश मिश्रा, न्यूज़ ट्रैक लखनऊ। क्या लगता है डॉक्टर साहब, इस बार क्या माहौल रहेगा? भाजपा ही फिर से विजय प्राप्त करेगी। बिल्कुल भाजपा ही आएगी, 100% भाजपा ही आएगी। सरकार तो अखिलेश यादव बनेगी। अखिलेश भैया आएंगे, इसमें कोई राय नहीं।